अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज सातवीं वीडियो है। आज के टास्क में हम सीखेंगे कि कॉलम ग्राफ क्या होता है और कॉलम ग्राफ किस लिए बनाया जाता है, और आखिर में हम एक सैंपल डेटा को लेते हुए कॉलम ग्राफ को प्लॉट भी करेंगे। तो कॉलम ग्राफ में आप देखेंगे कि मैंने एक पिक्चर जो है वो कॉलम ग्राफ की लगाई हुई है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कॉलम ग्राफ मेनली यूज़ होता है डेटा को कंपेयर करने के लिए। अब आप ये देखें कि जैसे ये एक मंथली सेल्स का डाटा है 2016 का, और नीचे जो है हमारे पास जो है हमारे मंथ्स हैं, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स की शो की हुई हैं। तो इससे हमें डाटा से हमें ये पता चल रहा है, कंपैरिजन करवाया गया है डिफरेंट मंथ्स का कि जनवरी में कम है और फरवरी में ज़्यादा हुई हैं सेल, और मार्च में सेल्स जो हैं फरवरी से ज़्यादा हैं, अप्रैल में उससे ज़्यादा हैं, और मई में जो है सेल्स वो अप्रैल से कम हो गई हैं, फिर ज़्यादा हो रही हैं। यानी कि डाटा को आप कंपेयर करवा सकते हैं कि क्या डाटा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या स्टेबल रह रहा है डाटा। तो इसका यूज़ जो है वो ये है कि डाटा को हम कंपेयर करवा सकते हैं। अब हम इसको ये सीखते हैं कि प्लॉट कैसे करते हैं। इसके लिए एक मैंने यहाँ पे सैंपल डेटा जो है ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, मंथ्स और कोरोना के केसेस का, जो कि एक रैंडम डाटा जो है वो मैंने उनसे लिख लिया है, जिसमें मंथ्स हैं फरवरी टू जून और नंबर ऑफ केसेस डेटा के लिखे हुए हैं कि कितने कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। ये फर्जी हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, खुद से मैंने लिखे हैं। तो कॉलम ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके आप देखें ये आ रहा है इंसर्ट कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखें ये बहुत इजीली उसने एक ग्राफ जो है एक्सेल ने प्लॉट कर दिया है, जिसमें आपको बहुत आसानी से समझ लग रहा है कि फरवरी में केसेस कितने हैं, मार्च में, अप्रैल में। कॉलम्स की फॉर्म्स में देखें कि इंक्रीजिंग कॉलम हो रहा है, कॉलम की लेंथ बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी हम मज़ीद जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि इजीली समझ आ सके। टाइटल को अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मंथली कोरोना केसेस, मंथली कोरोना केसेस हमारे पास आ गए। इसी तरह हम वाई एक्सिस जो है डिज़ाइन में जाएंगे, एड चार्ट एलिमेंट में गए, एक्सिस के टाइटल में जाके इसका हम टाइटल लिख लेंगे कि इधर आ रहे हैं हमारे पास केसेस हमारे पास वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। नीचे एक्सिस का हमें पता है कि वहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं क्योंकि नेम लिखा हुआ है फरवरी मार्च अप्रैल का। अब हम इसमें मज़ीद क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि हमारा डिस्प्ले मज़ीद आसान हो सके। आपने इन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। आप राइट क्लिक के बाद आप देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड डाटा लेबल्स की। आपने यहाँ पे डाटा लेबल्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं। डाटा लेबल से देखें आपके पास जो केसेस हैं वो हर कॉलम के ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे अप्रैल में देखें कि 50,000 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आपको वाई एक्सिस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ईजिली एक ही मरतबा देख के पता चल जाएगा कि किस मंथ में कितने केसेस हैं, और आप उसके जो साथ वाला जो मंथ है कोई भी वैल्यू उसके साथ कंपेयर करवा सकते हैं कि जी मार्च में 10,000 थे, अप्रैल में 50,000 हो गए जो ज़्यादा हो गए, मई में 1,00,000 हो गए जो कि मज़ीद ज़्यादा हो गए। डाटा को कंपेयर करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हम इसमें ये कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन जो हमें बताएगी कि हमारा जो ट्रेंड जा रहा है डेटा का वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी कि हमारी केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। ट्रेंड लाइन जो है वो इस सिलसिले में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए भी आपने क्या करना है कि ये सिलेक्ट किया कॉलम्स को, राइट क्लिक किया, तो आप इधर देखें ये ऐड ट्रेंड लाइन की ऑप्शन आ रही है। इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो डॉटेड ब्लू कलर में ट्रेंड लाइन जो है वो शो कर दी है। इसके हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ये देखें साइड पे फॉर्मेटिंग आ गई है, लीनियर टाइप है ट्रेंड लाइन की। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमने
सॉलिड लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये डॉटेड है इसको लाइन में चेंज करने के लिए ये डैश टाइप जो आ रही है यहाँ पे, डैश टाइप की ऑप्शन है राइट साइड पे, इसको सॉलिड लाइन जो है ये सिलेक्ट किया। अब ये ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो डाटा का ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि पहले कम था और ये ऊपर की तरफ लाइन जो है हमारी इंक्रीज होती जा रही है मंथ्स में। जैसे जैसे मंथ आगे जाते जा रहे हैं हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इस तरह हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। डाटा लेबल्स जो हैं आप इनको सिलेक्ट करके भी इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डाटा लेबल को सिलेक्ट किया है आपने, लेबल की ऑप्शंस में जाएं आप, तो यहाँ पे भी इसकी लेबल की पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे ट्रेंड लाइन जो है उसको क्रॉस कर रही है तो आप इसको इनसाइड एंड पे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, यानी कि डाटा जो हमने लिखा है हम उसकी पोजीशन कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो है इस ग्राफ की काफ़ी अच्छी जो है वो सेटिंग हो जाती है, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाती है कि हमारा डेटा जो है वो क्या है, किस तरह हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, हमारे डेटा का ट्रेंड क्या है। तो आज का लेसन जो था वो सिर्फ इतना सा था कि कॉलम चार्ट क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, और हम इसको किस तरह ड्रा कर सकते हैं, और एंड पे ट्रेंड लाइन भी हम इसमें कैसे बना सकते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाई चार्ट जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।